टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका के जिलानीवाड़ी में 13 साल पहले रोड बेंडिंग के लिए ठाणे मनपा ने 110 घरों को तोड़ दिया था, मगर आज तक इन परिवारों को घर नहीं मिला है। ये परिवार अपने हक के लिए आज भी दर दर भटक रहे हैं। 13 साल का वक्त गुजर गया है, मगर इन्हें आज भी इनका आशियाना नहीं दिया गया है। आखिरकार इन लोगों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शेख के साथ ठाणे महानगर पालिका का घेराव किया और अपने घर की मांग करते हुए मनपा में मेमोरेंडम भी दिया। सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शेख ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश के पहले ठाणे महानगर पालिका का दावा करने वाली ठाणे महानगर पालिका जिलानीवाड़ी इलाके के 110 घर के परिवार को इंसाफ कभी मिलेगा? हाल ही में ठाणे महानगर पालिका ने अन्य योजना के अंतर्गत 606 लोगों को घर देके एक झूठा वादा किया कि ठाणे महानगर पालिका देश की पहली ठाणे महानगर पालिका है। आज 40 साल से भी ज़्यादा जिलानीवाड़ी के 110 घर के परिवार वहाँ रहते थे। ठाणे महानगर पालिका को लाइट बिल टैक्स देने के बाद भी किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन सन 2007 में कोर्ट को गुमराह किया गया। अब वही ठाणे महानगर पालिका ने रातों रात इन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया था। कोर्ट का आदेश था लेकिन कोर्ट को गुमराह किया गया था, लेकिन आज 13 साल से वही ठाणे महानगर पालिका ने उनको कोई भी सुविधा नहीं दी गई। आज 13 साल से वो दर भर भटक रहे हैं। आज हमने ठाणे महानगर पालिका को निधन दिया है कि अपना देश का पहला ठाणे महानगर पालिका का जो दावा किया गया है वो तभी माना जाएगा जब जिलानीवाड़ी के 110 घर के लोगों को घर दिया जाएगा। आज हमने ठाणे महानगर पालिका को फिर से ये दूसरी बार निवेदन देने आए कि अपना जिलानीवाड़ी के 110 घर के लोगों को जल्द से जल्द अन्य योजना के अंतर्गत उनका हक का घर दिया जाए, या तो उनको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो उनको रहने की सुविधा दिया जाए। आज पूरा देश जानता है कि कोविड-19 में लोगों की हालत बस से बदतर हो गई है। आज इन लोगों को घर छोड़ के बाहर आना पड़ रहा है कि हमने मांगनी की है कि इनको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं शिफ्टिंग किया जाए। ठाणे महानगर पालिका का देश का जो पहला ठाणे महानगर पालिका का जो दावा है वो तभी माना जाएगा जब इनको घर दिया जाएगा। आज हमने ठाणे महानगर पालिका को फिर से निवेदन दे रहे हैं, ये आंदोलन आगे भी हम करेंगे और हम हो सके तो उपोषण करके जो जगह हमने बताई है उधर नहीं देंगे तो हम उपोषण के लिए बैठेंगे।